मेरे से बना जूता, मुझे तो यही चाहिए। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, मेरा ताज ले लो। कागज का बना ताज? हमें कुछ और भी चाहिए। मैं तुम्हें अपने हीरे का ताज देती हूँ। बोलो कैसा आइडिया है? अब भी कम है। और चाहिए तो ठीक है, लो सोना ले लो। उफ, काफी सारा सोना। लगता है राजकुमार को सौदा मंजूर है। बेचारी गरीब राजकुमारी क्या करेगी। तो ये लो, मेरी फेवरेट स्नोई ही ले लो। राजकुमार फैसला नहीं कर पा रहा है। आखिर फैसला इतना मुश्किल जो है। मुझे चुनो ना। राजकुमारियाँ परेशान हो चुकी हैं। अब वो हाथ में आई हर चीज फेंक रही हैं। बहुत हो गया, लो तुम दोनों ही ले लो। ये सिर्फ मेरा है, मेरा है, सिर्फ मेरा, मेरा। दूर हट, ये मेरा है, समझी ना? नहीं, ये भी कोई ड्रेस में ड्रेस है। असली राजकुमारी को जश्न के लिए ड्रेस चुनने में बहुत मुश्किल हो रही है। वाह, इतना सारा सोना। मैं आपके लिए सोना लाया मैडम। मुझे पता है कि क्या करना है। मेरा ताज कहाँ है? ये क्या कर रही है? अरे वाह, इसने अपना ताज सोने का बना दिया है। कैसी लग रही हूँ, पहले से कहीं बेहतर है ना? पर इससे काम नहीं चलेगा, मुझे अपने जूते भी ठीक करने पड़ेंगे। ये पकड़ो। अरे वाह, मेरे जूते भी सुनहरे हो गए, कितने शाइनी हैं। हाँ, अब कुछ ठीक लग रहा है। और अब सबसे आखिर में मेरी ड्रेस, लो सब कुछ पकड़ो। जो आप कहें मैडम। रेडी? ओके, अब इसे हमारे ऊपर फेंको। वाह, अमीर राजकुमारी की ड्रेस का जवाब नहीं, कितनी सुंदर लग रही है ना, और कितनी शाइनी। यहाँ गरीब राजकुमारी भी जश्न की तैयारी में लगी है, पर इन कपड़ों में तो वो नहीं जा सकती ना, इसे जरूरत है एक ड्रेस की। अरे गीत, तेरे पास कोई ड्रेस नहीं है? कोई नहीं, कुछ तो कर ही लूंगी, शायद मैजिक से कुछ मदद मिल जाए। अरे ये तो फ्लॉप निकला, एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। पापा जी, एक ड्रेस तो दे दो। अरे वाह, काम कर गया, ये क्या है? बेचारी, लगता नहीं कि इस बार इसका जादू जरा भी काम आया है। मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करो, ये भी कोई बात हुई। अरे हाँ, बढ़िया आइडिया है। पैसा हो या ना हो, ये तो मानना पड़ेगा कि गीत का दिमाग काफी तेज दौड़ता है। क्या बात है, अब मैं फिर से खुद की फेवरेट बन गई हूँ। वाओ, क्या अदा है, लगता है किसी बड़ी सी पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, अमीर राजकुमारी तो बस नहाने जा रही है, पर वो कोई ऐसा वैसा नहाना नहीं, नहाने का ही अंदाज आपने कभी न देखा न सुना होगा। सच में मजा आ गया। ओके, अब सोने का मास्क लगाने का टाइम आ गया है मैडम। हाँ, मुझे मास्क बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम फ्रेश लुक देते हैं। और ये आपका बचा हिस्सा आपके माथे के लिए। हाँ, लाओ मुझे दो। और म्यूजिक नहीं तो नहाना कैसा? ये क्या, सर्किट तो इसमें भी माहिर निकला। आ, कितना सुकून मिल रहा है, सच मजा आ गया। राजकुमारी के लिए तो जान भी हाजिर है। अरे गीत, अब उठ भी जाओ। सच कितनी बढ़िया नींद थी, अब जल्दी से नहा लेती हूँ। ओह वाओ, तुम्हारे स्लिपर्स तो बढ़िया हैं गीत, कम से कम काम तो हो जाता है। तो हो जाए, लगता है गरीब राजकुमारी का टब बिल्कुल शानदार नहीं है। पर ये क्या, नल में गर्म पानी ही नहीं आ रहा है। अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अंदर एक नोट है, अजीब है, देखूं पर इसमें क्या है? बिल नहीं तो गर्म पानी नहीं, ये कैसा मजाक है? अब मैं कैसे नहाऊंगी, और कोई चारा नहीं है, ठंडे पानी से ही नहा लेती हूँ। बाप रे बाप, जान निकल जाएगी। नहाना जरूरी है क्या गीत? हाँ है, आज तो कुल्फी जम के रहेगी बेटा। बेचारी, सच में ठंडे पानी में नहाना काफी मुश्किल काम है, पर फिर भी वो अपना रोज का रूटीन बदलेगी नहीं। इसने खुद के लिए पेपर मास्क बनाया है। वाह, अब दमके का तेरा चेहरा गीत। हाँ, आखिर तुम खुद की फेवरेट जो हो। मुझे अपने बाल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। सर्किट, आपने अपुन को बुलाया मैडम? हाँ, मुझे ये स्टाइल चाहिए। एक घंटी बजाते ही हेयर ड्रेसर सामने आ गया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ मेरे बाल ऐसे दिखें। ऐसा बिल्कुल हो जाएगा। ओह, मैं कितनी सुंदर दिखूंगी, मजा आएगा। आउच, इसे मुझसे दूर करो अभी। जावेद ने तो राजकुमारी के कान ही जला दिए। पर फिर मैं कैसे इनके बाल कर्ल करूं?
अरे वाह आइडिया, सोने की ईंटें, इनसे काम बन जाएगा। वाह क्या नजारा है, जावेद राजकुमारी के बाल सोने की ईंटों से कर्ल कर रहे हैं, काफी बढ़िया दिख रही है। और अब कान जलने का तो सवाल ही नहीं उठता। वाह कितनी अच्छी स्टाइल है, गोल्ड मुझे बहुत सूट करता है। उफ आज तो बालों की रेट पिटी हुई है, काश मेरे पास भी कर्ली बाल होते, पर मेरे पास तो शायद ये छोटे और सीधे बाल हैं। अगर उंगली से लपेट लूं तो शायद कर्ली हो जाए। नहीं कोई फायदा नहीं, फिर भी कुछ तो सोचना पड़ेगा। ओह अब गीत को कौन सा आइडिया है? कोयला। अरे वाह ये तो कोयले पर अपने बाल लपेट रही है, इतने अजीब से कर्ल तो कभी किसी ने नहीं देखे। बस काम करना चाहिए, अब सो जाती हूँ, उठूंगी तो बाल कर्ल हो जाएंगे। जागो जागो सुबह हो गई। ओफो देखती हूँ बाल कैसे दिख रहे हैं। क्या नहीं ये तो बुरा हुआ, कोयले से सारे बाल काले हो गए। नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे सुंदर बाल। अरे मैं बेकार ही फिक्र कर रही थी बाबा जी, मेरे बाल तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं और कर्ली भी हो गए हैं, काफी बढ़िया लुक है, एकदम हॉट एंड हैपनिंग। उफ कमरा कितना गंदा हो रखा है, अमीर राजकुमारी के कमरे में क्या चल रहा है? ये ठीक नहीं, एक और दो। नहीं मेरी राइटिंग कितनी बुरी है, एक और दो। पर मैडम अपुन का सारा पेपर खलास हो गया। खत्म? अरे नहीं। सॉरी मैडम सारा पेपर आपने लिख डाला। अब मैं किस पर लिखूंगी? ए भाई लोग मैडम के लिए पेपर लेकर आओ अभी। लाओ मुझे दो। हाँ ये ठीक है, इसे भेजो। अच्छा ठीक है। पर राजकुमार को मैसेज भेजने से काम नहीं चलेगा, खत भेजना भी तो जरूरी है। ये हुई ना स्मार्ट थिंकिंग। अरे ये पेन तो काम ही नहीं कर रहा। ऐसा ना करो बाबा जी, ये मेरा आखिरी पेपर है। एक मिनट शायद मुझे कचरे में कोई कागज मिल जाए। नहीं ये नहीं। अरे वाह कार्डबोर्ड, इसे तो काटा गया है। ये क्या, गीत के कचरे के डिब्बे में तो एक चूहा रह रहा है। ओ, ये क्या बात हुई। अरे वाह आइडिया, टॉयलेट पेपर लेती हूँ। वैसे ये भेजना ठीक नहीं पर क्या करें, जरूरी है मैसेज भेजना, ये है तो पेपर ही। बेचारे चूहे जी को पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। और हो गया, इधर आओ छुटकू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। अच्छा तो ये बात है, लगता है गीत इस चूहे की मदद से अपना खत भेजने वाली है। ये हो गया, अब राजकुमार के पास जाओ और उसे मैसेज दो। पहले के जमाने में लोग कबूतर इस्तेमाल करते थे और आज चूहे भेजते हैं। वाह वाह इतना सारा सोना। कौन सा मैडम, ये देखो आपको ये बहुत रापचिक लगेगा, शानदार है ना? नहीं नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो फिर मैडम आपको ये तो पसंद आया ना? नहीं डिजाइन अच्छी नहीं है। देखना राजकुमारी सर्किट का शॉर्ट सर्किट ना हो जाए कहीं। बस अब एक आखिरी बाकी है। ये क्या, एक बॉक्स, लगता है इसके अंदर कोई जरूर महंगी और चमकदार चीज है। वाओ कितना शाइनी हार है, आंखें चुंधिया गई, कितना सुंदर नेकलेस है, आज रात मैं इसे ही पहनूंगी। अरे ओह ये तो टूट गया। अरे नहीं अब हमारी राजकुमारी क्या करेंगी। अरे फाट लग गई। अरे वाह आइडिया है ला भिड़ू। हार टूटा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अपनी गर्दन पर हीरे चिपकाकर एक नई डिजाइन का नेकलेस बना लो। वाओ कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छे, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। हीरे चलेंगे मैडम? नहीं चलो कोई नहीं, डॉलर्स भी चलेंगे। वाह वाह यह गरीब गीत जश्न की तैयारी कर रही है, वो बस तैयार ही हो गई, पर ये क्या, ओ कुछ तो कमी है, मुझे गहने चाहिए। देखो मेरे पास क्या है। क्या एक नोट, ये क्या, मैंने ये कब नोट कर रखा था। ओ मैं कैसे भूल गई, मेरे गहने तो बैंक में गिरवी पड़े हैं, अब मैं क्या करूंगी बाबा जी। पर राजकुमारी के पास भी इस मुश्किल को दूर करने की ट्रिक है, मैं पेन लेकर खुद के गहने बनाऊंगी। ये तो एक नेकलेस बना रही है। वाह मान गए तेरे दिमाग को गी। और हाँ एक और चीज, इयररिंग्स। क्या बात है, जश्न में मेरे जैसे गहने किसी के पास नहीं होंगे। इसे कहते हैं जोरदार लुक। और अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना कोई बात। ओह कितनी भूख लगी है,
अमीर राजकुमारी का ब्रेकफास्ट तो बिस्तर में ही हाजिर हो जाता है। गुड मॉर्निंग मैडम, ये आ गया आपका ब्रेकफास्ट। ये क्या गोल्डन अंडा, मुझे ये नहीं चाहिए। पर ये तो आपका फेवरेट है मैडम, पक्का नहीं चाहिए? छी, ले जाओ इसे। लगता है अमीर राजकुमारी के नखरे कम नहीं है, पर इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ये भी नहीं चाहिए। मेरे लिए कोई अच्छी सी चीज लेकर आओ सर्किट। आइला, अब क्या करूं? अब उनको आपका हार मिल सकता है क्या? क्या? हाँ ठीक है, ले लो। बढ़िया, अब देखना अपुन का कमाल। बहुत भूख लगी है, जल्दी लाओ। सर्किट वापस आ गया है। और ये क्या लाया है? फिर वही गोल्डन एग, पर इस बार वो हीरो से जड़ा हुआ है। वाओ, शानदार है, मुझे दो। और ये काफी नहीं था तो सर्किट ऊपर से सोने की धूल छिड़क रहा है। हाँ, अब ये हुआ ना परफेक्ट ब्रेकफास्ट। अमीर राजकुमारी अब खुश है। यम्मी, मजा आ गया, तुमने दिल खुश कर दिया सर्किट। अब सोने का अंडा किसे पसंद नहीं आएगा। उफ, पेट में हाथी कूद रहे हैं, जल्दी ही कुछ खाना होगा। ओ सीरियल, अरे ये तो खाली है। कोई नहीं, शायद पैनकेक्स होंगे। नहीं, ये भी सब खत्म हो गए, अब क्या होगा बाबा जी? पिज्जा। बेचारी गरीब राजकुमारी के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अरे वाह, ओरियो का बॉक्स, यम्मी। ओहो, ये भी खाली है, अब मैं क्या खाऊं? अरे हाँ, आइडिया, आखिर ये करना क्या चाहती है? वो खिड़की के पास गई है, पर किस लिए? ओ, अच्छी बात है, ये हो गया मेरा नाश्ता। ए, चल हट, भाग जाओ यहाँ से, ये मेरा है। वाह, मिल गया। थैंक यू बाबा जी। राजकुमारी ने खिड़की से चिड़िया का घोंसला उठा लिया है। वाह, खजाना मिल गया। चलो अब इन्हें पकाया जाए। पर ये अंडे तो बहुत छोटे हैं, इनसे गीत का पेट भरने से रहा। पर हमारी गीत तो अपने तेज दिमाग के लिए जानी जाती है। अरे हाँ, थोड़े से सॉस से और बढ़िया हो जाना है। ये देखो, बन गई एक बड़ी सी मुस्कान। चलो, गरीब राजकुमारी का पेट तो भरा। असली राजकुमारी देख रही है कि आजकल फैशन में क्या है और क्या नहीं। ओह, ये कितना अच्छा है, मुझे ये चाहिए। एक यूनिकॉर्न, ये पक्का चाहिए मैडम। बाकी सारी राजकुमारियों के पास पेट्स है, मुझे भी यूनिकॉर्न चाहिए। वैसे यूनिकॉर्न खरीदना इतना आसान नहीं होता, पर राजकुमारी का हुक्म सिर आँखों पर। आपने जो कहा था अपुन ले आया मैडम। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलो इसे खोलो। अरे ये क्या है? ये असली यूनिकॉर्न तो नहीं लगता। राजकुमारी काफी दुखी लग रही है। ये क्या है? एक मंत्र, कोशिश करके देखती हूँ। आबरा का डाबरा, गिली गिली चू। अरे वाह, यहाँ एक पपी आ गया, ये कैसा जादू है? ओ पपी, कितने प्यारे हो तुम, इधर आओ ना। तुम यूनिकॉर्न तो नहीं हो, पर कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। आप चाय लेंगे मिस्टर यूनिकॉर्न? वाह क्या बात है, राजकुमारी ने पपी को यूनिकॉर्न बना दिया है। इससे ये साबित होता है कि अगर दिमाग लगाया जाए तो हर मुश्किल का हल होता है। तुम तो यूनिकॉर्न से भी बेहतर हो, इससे अच्छी तो पार्टी आज तक नहीं हुई। देखते हैं राजकुमारियों की दुनिया में क्या चल रहा है। अच्छा, पेट्स, एक यूनिकॉर्न। ओह माय गॉड, मुझे भी यूनिकॉर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं, कितने प्यारे हैं, मुझे भी एक चाहिए। ओह, एक कॉकरोच। ओह, बढ़िया आइडिया आया है। अरे ये इन सिक्कों का क्या करने वाली है? मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अरे ये क्या, राजकुमारी इच्छा पूर्ति झरने से कुछ मांगने वाली है। बाबा जी, ये मेरे आखिरी सिक्के हैं, प्लीज मुझे एक यूनिकॉर्न दे दो। ओके, डाल दिया। कहाँ है मेरा यूनिकॉर्न? अरे ये क्या, मेंढक। पर हो सकता है कि ये मेंढक नहीं, एक राजकुमार हो। अब राजकुमारी है तो जादू में भरोसा करना तो बनता है ना। आ जाओ छोटे, लाओ ये किस दो। वाओ, ये सच में असली राजकुमार है, बहुत अच्छी गीत। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चला। क्यों, वो चला गया? कोई नहीं, मैंने उसे किस तो किया। सॉरी मैडम, अपन पूरी कोशिश कर रहा है। जोर से खींचो। लगता है अमीर राजकुमारी अपनी पसंदीदा ड्रेस में फिट नहीं हो पा रही है। मेरा तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। आखिर बात क्या है? सांस नहीं ले पा रही। अपुन को लगता है आपको थोड़ा कसरत करनी चाहिए मैडम, थोड़ा वजन उठाओ, भागो। तुम मुझे मोटा कह रहे हो। पर आप सांस भी नहीं ले पा रही हैं। ठीक है, जल्दी जिप खोलो। उफ, अच्छा लगा। वर्कआउट करने का वक्त आ ही गया। राजकुमारियों को अच्छा दिखाने के लिए उनके असिस्टेंट्स को भी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और देखो, सर्किट हर चीज में उसकी मदद कर रहा है। सच, कितना अच्छा है वो।
आप बढ़िया कर रही है मैडम, ऐसे ही लगे रहो। बस बहुत हो गया, सर्किट भी काफी थका हुआ लग रहा है, आखिर सारा काम तो उसने ही किया है। पानी, कोई पानी दे दो रे। हाँ मुझे भी पानी चाहिए, थैंक्स। बहुत प्यास लग रही है। उफ, कितना थक गई मैं, और कसरत अच्छी हो गई। अब जाओ वो ड्रेस लेकर आओ, अब वो फिट होकर रहेगी। सर्किट भी यही उम्मीद कर रहा था कि वो फिट हो जाएगी, क्योंकि कसरत करके वो बहुत ज्यादा थक चुका है। एक मिनट भिड़ू, मैडम एक्सरसाइज में फिट नहीं होती है, पर एम में हो जाती है। आइडिया। अरे वाह, सर्किट लेबल्स की अदला बदली कर रहा है, इस तरह राजकुमारी को लगेगा कि वो छोटे साइज में फिट हो गई है। क्या दिमाग चलाया है मामू, देखते हैं कहीं उसे पता तो नहीं चल जाएगा। मैडम मैडम, उफ थक चूर हो गई हूँ। मैडम अपुन आपके लिए ड्रेस ले आया है, अब आप इसे पहन सकती हैं। शानदार, एक मिनट, उम्मीद है अब ये फिट हो जाएगी। वाओ, अब तो अच्छे से फिट हो गई। देखो मेहनत का फल मीठा, ये। चलो देखो मेरा वजन कितना है, बाबा जी कृपा बनाए रखना। अरे ये क्या एरर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ, ये ठीक नहीं है। ओ मेरा रूम कितना गंदा हो रहा है, मैं भी सफाई कर देती हूँ। गीत ने फैसला किया है कि वो ये साबित करके रहेगी कि वो असली राजकुमारी है, और वो दोनों काम कर सकती है, यानी रूम साफ कर सकती है और वजन भी कम कर सकती है। जरा देखो तो, इसे कहते हैं एक्सरसाइज करने का नया अंदाज। कचरा उठाते वक्त भी वो सिटअप्स कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि उसे काफी मजा भी आ रहा है। वाओ, ये योगा से कहीं बेहतर है। और अब ये क्या करेगी? ये क्या, आटा? लगता है राजकुमारी वजन उठाने का इरादा रखती है। ओ, 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 बहुत अच्छे, तुमने कर दिखाया। इतनी ताकतवर राजकुमारी के सामने भारी बाल्टियाँ कुछ नहीं। ओ आओ, हाँ हो गया, देखती हूँ थोड़ा भी वजन कम हुआ है कि नहीं। फिर से अरे, ओ ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है, अब मैं वजन कैसे कम करूँगी? उफ, ये मशीन भी ना। जरा एक मिनट, मशीन में बैटरीज ही नहीं है, इसलिए तो काम नहीं कर रही थी। चलो कम से कम इसी बहाने रूम की सफाई तो हो गई। राजकुमारियों के स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ गरीब राजकुमारी क्लास के लिए तैयार हो रही है और बहुत खुश लग रही है। और ये आ गई अमीर राजकुमारी। ओ हाय, ये क्या तुम अभी कागज की नोटबुक्स इस्तेमाल करती हो, कितनी ओल्ड फैशन्ड हो। अमीर राजकुमारी को तो देखो, उसके पास हर सब्जेक्ट के लिए लैपटॉप है। इसे कहते हैं जीने का खास अंदाज। पर दुखी मत हो गरीब राजकुमारी, सिर्फ नोटबुक्स होना भी इतना बुरा नहीं है। हाँ ये तो ठीक है, इसे शुरू करते हैं। ये क्या, बैटरी नहीं है, सर्किट। हाँ ठीक है, बस इसे प्लग इन कर देती हूँ। नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, बहुत ज्यादा हो गया है। ओ बस करो, ऐसा क्या हो जाएगा, बहुत अजीब हो तुम। नहीं रुक जाओ। ये तो बहुत बुरा हुआ, राजकुमारी ने कुछ ज्यादा ही प्लग्स लगा दिए थे। ओ मेरी हालत तो देखो। तुम्हारा हाल नहीं, बेहाल हो गया है।